welcome and welcome back to my YouTube channel. My name is Shikha. How are you all? It's a long time. नवरात्रि व्लॉग में नहीं डाल पाई लेकिन मैंने सोचा कि मैं कन्या पूजन का व्लॉग जरूर डालूंगी. लास्ट टाइम मैंने अपनी सारी वीडियोस शेयर की थी आप लोगों के साथ, आप लोगों ने पसंद भी की थी. तो जैसे कि कल कंजक पूजन है हमारे घर पर, अष्टमी और नवमी एक दिन ही आ रहे हैं तो हम लोग कल पूजेंगे. उससे पहले ना कल मैं मार्केट गई थी और मैं कुछ बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी. तो सबसे पहले मैं लेके आई हूँ ये माता जी के बहुत ही ब्यूटीफुल से चरण जो कि बहुत खूबसूरत है और मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी. तो ये है सबसे पहले. और उसके बाद है ये वाली सेंटेड कैंडल्स जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. और इसलिए उसके बाद ये देखिए कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं. ये मैंने मंगवाया है शुभ लाभ फ्रॉम मीशो जो कि मुझे अफोर्डेबल रेंज पे भी मिल गए थे. एंड ये देखिए कितने ज़्यादा सुंदर है, मेरे आउटफिट के साथ मैच कर रहा है. दिस इज़ सो प्रिटी एंड आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम मीशो. इसका जो लिंक होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. एंड ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये मैं लगाऊंगी बाहर. जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो मैं शुभ लाभ ज़रूर लगाती हूँ. एंड ऑल्सो मैंने ये वाला एक बंधन बार मंगवाया था बट आई डोंट नो फॉर वॉट रीज़न मुझ तक पहुँचने से पहले ही वो वापस चला गया. तो आई डोंट नो वाई, तो वो मेरे पास नहीं आया. मुझे बहुत मन था ये वाला बंधन बार लगाने के लिए. सैड, आई एम रियली सैड फॉर इट. तो फिर ये पैकेट सील है अभी भी और मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है, दूर तक आ रही है. तो ये भी शायद मैं यूज़ कर कूल ब्लू और ये फ्रेगरेंस वाली है, इसमें 15 का पैक है. उसके बाद मैंने लिया है ये सेट ऑफ 5 जिसमें शुभ लाभ है, स्वास्तिक है और माता के दो चरण हैं जो कि मैं अपने जो कि मैं हमारा जो मेन गेट है उस पर लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास नहीं थी. दिस इज़ फॉर ₹50, ये पैक है 5 का, तो मैंने ये लिया. उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये बहुत सुंदर लग रहे हैं दियास, तो ये भी ले लो. तो ये हमने दिवाली के लिए लिया है बट लेट्स सी, शायद मैं इसको कल यूज़ करूँ. तो ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं. बाकी ₹100 के 4 पीसेज आए हैं. उसके बाद मैंने लिए हैं कुछ ये फूल जो कि मैंने ले लिए हैं डेकोरेशन के लिए, तो ये मैं यूज़ करूँगी. उसके बाद ना ये मेरे पास एक बहुत ही पुरानी ट्रे पड़ी हुई है, ये ड्राई फ्रूट की ट्रे थी तो ये बहुत ज़्यादा मुझे सुंदर लग रही थी. तो इसी के ऊपर मैं एक फ्लावर्स की रंगोली बनाऊँगी माता के चरण रख के. तो उसके बाद मैंने लिए हैं छोटी सी बैंगल्स, सेट ऑफ 1 बैंगल्स, तो ये मैं किसी छोटी सी कन्या को दूँगी. उसके बाद मैंने ली है बहुत ही क्यूट सी ये प्लेट्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी. ये एप्पल शेप की प्लेट्स जो आती है 3 कलर्स में, इसमें पिंक है, येलो है एंड ब्लू है. तो ये भी मुझे बहुत प्यारी सी लग रही थी तो मैंने ये ले ली. जिसमें उसके बाद मैंने लिए हैं ये चॉकलेट्स एंड ये स्टेशनरी, एक्स्ट्रा देना चाहती थी उनको तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं कल लेट भी हो गई थी. तो फिर मैंने ये चॉकलेट्स ले लिए और ये स्टेशनरी पेन्स ले लिए. आई होप छोटी छोटी बच्चियाँ हैं तो उनको पसंद आए. इसकी आम के पत्ते का बंधन बार बना लिया था. तो ये सारा सामान मैंने खरीदा है. तो चलिए अब फटाफट से चलते हैं, लेट्स डू द डेकोरेशन एंड लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया उर्ली से. तो ये मेरे पास उर्ली जो लास्ट दिवाली की है, मैंने इन्हीं को लिया और इसमें पहले मैंने जल भरा और फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फ्लावर्स. वन बाय वन करके जहाँ पे मैंने माता की चौकी लगाई हुई है, पंडाल सजाया है, बस वहीं पे मैं अरेंज कर रही थी और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ. तो उर्ली रखने के बाद जो मैंने आपको शुभ लाभ का जो डेकोर दिखाया था वो अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ. ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में. उसके बाद ये जो माता के जो चरण थे स्टिकर वाले मैंने आपको दिखाए, ये बहुत इजीली ना पील कर इसके पीछे पील ऑफ स्टिकर लगा होता है, डबल साइडेड होती है, तो बस उसी को निकाल कर मैं पेस्ट कर रही थी यहाँ पर. एक मैंने बाहर की तरफ लगाया और एक मैंने अंदर की तरफ लगाया. अब मैं दरवाज़े को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और उसके ऊपर मैंने गंगा जल छिड़का क्योंकि मुझे यहाँ पे स्वास्थ्य का चेन लगाना है. तो जो मैंने आपको शुभ लाभ वाला जो स्टिकर पैक दिखाया था उसी में ये स्वास्तिक भी था. इसके पीछे भी पील ऑफ स्टिकर है, को पील ऑफ स्टिकर को निकाल के इसे पेस्ट किया और बहुत अच्छे से ये चिपक गया. अब मैंने
मैंने प्लेट को अच्छे से क्लीन किया, गंगा जल छिड़का और यहाँ पे मैं स्वास्तिक का चिन्ह बना रही हूँ। फिर उसके ऊपर मैंने थोड़े से चावल भी डाल दूंगी क्योंकि मुझे माता के जो चरण मैं लेकर आई थी वो मैंने रखने हैं इसके ऊपर, और मैंने पूजा करनी है उनकी, क्योंकि उसके बाद मैं उन्हीं चरण की आगे दिवाली पे भी पूजा करूँगी और मंदिर में मैं रख दूंगी। तो ये वाले चरण जो मैंने आपको पहले दिखाए थे ये वही चरण है। तो अब मैं जो गेंदे के फूल हैं अपने हिसाब से बस मैं डेकोरेट करती जा रही हूँ। शाम को चले गए थे नीचे सोसाइटी में, माता की चौकी थी तो वहाँ पे रोहांच ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, फूड स्टॉल भी था। और फिर ये है नेक्स्ट डे और ये मेरा आज का आउटफिट है। अब मैं कन्याओं को लेकर आ रही हूँ लिफ्ट से अपने फ्लैट में ऊपर। और यहाँ पे मम्मा, मेरी फ्रेंड, हम सब ने मिलकर भोग तैयार किया। यहाँ मैं कर रही हूँ कंजकों की प्लेट को रेडी। तो जो सबसे छोटी कन्या होती है तो माता को जो मैंने प्लेट चढ़ाई होती है एज अ भोग और चूड़ियाँ, वो मैं छोटी कन्या को डाल देती हूँ, उसकी पूजन करती हूँ अच्छे से। और यहाँ पे बस मैं वही कर रही हूँ। मेरे पास दो छोटी छोटी कन्या थी तो मेरे दिल को बहुत सुकून और सेटिस्फेक्शन मिलती है जब मैं इस तरीके से पूजन करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा रहा सारा कुछ, और उसने बहुत प्यार से खाया। और रोहांच की हरकतें जो थी वो बहुत क्यूट थी, पीछे आप देख सकते हो, वो सबके साथ खेलना चाहता था, सबके साथ खेल रहा था, मज़े कर रहा था, ही वॉज इन्जॉइंग अ लॉट। तो सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। अब कन्याएं जा रही थी वापस और मेरा मन नहीं कर रहा था उनको कि वो जाएं। तो यहाँ पे अब मैं उनसे बातें कर रही थी, खेल रही थी। छोटी वाली जो कन्या थी बहुत क्यूट थी, तो अब मैं उनको नीचे छोड़ने जा रही हूँ। और यहाँ पे बेसिकली ना रोहान चला गया था इन लोगों के साथ लिफ्ट में, मेरे देखने से पहले ही वो अंदर चला गया था, ये देखिए। तो बस अब वो बाहर नहीं आना था तो हमने सोचा चलो इसको भी नीचे घुमा लाते हैं और कंजकों को भी नीचे छोड़ आते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतनी नॉटी ये हो गया, इतनी क्यूट हरकतें करता है। तुम जाना इसके पास, 6 पे जाना है कि 2 पे?